तो मिमिक्री का भी शौक रखता हूँ। अब मैं मिमिक्री की बात करते हुए आपको बताता हूँ कि 1980 के दशक में जब दूरदर्शन एकमात्र मनोरंजन का साधन हुआ करता था, तो एक विज्ञापन अति मशहूर था जो इस प्रकार था। अरे दीपिका जी, लीजिए आपका सब सामान तैयार। ये नहीं हो, लेकिन आप तो हमेशा वो महंगी वाली टिकिया लेती थी। वही महंगी दाम वाली क्वालिटी, वही सफेदी, वही झाग, कम दामों में ले, तो ये क्यों ले, वो ना ले। मान गए, किसे? आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर दोनों को। मेरे ख्याल से विज्ञापन मेरे लिए ये जब बचपन में मैं सुनता था टीवी की, शायद ये विज्ञापन है। लेकिन आजकल अगर अलग अलग फिल्मी कलाकार अदाकार इस विज्ञापन को प्रस्तुत करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, जरा गौर फरमाइएगा। अगर शाहरुख खान साहब विज्ञापन प्रस्तुत करेंगे तो ऐसे करेंगे। आइए दीपिका जी, लीजिए आपका सब सामान तैयार। लेकिन आप तो हमेशा वो महंगी वाली टिकिया लेती थी। मैं यहां कभी नहीं आऊंगा। जब जब आप टिकिया नहीं खरीदेंगे आऊंगा, खुद को अकेला पाऊंगा, आऊंगा। मैं यहां कभी नहीं आऊंगा। शाहरुख खान साहब के बाद अगर धर्मपाल जी अगर टिकिया बेचने की कोशिश करेंगे, वैसे ओजस्वी जी आप तालियां मारने बजाने की काफी ज्यादा निर्मित अगर करेंगे तो इस प्रकार करेंगे। दीपिका ये टिक्किया खरीद लो। दीपिका हम दोनों मिलकर टिक्किया किसिंग। क्या बात कर रही हो, टिक्किया नहीं खरीदोगी? धर्म जी टिक्किया नहीं बेच पाए, उनके सुपुत्र सनी देओल थोड़े गुस्से में आ गए, कहने लगे, ओए दीपिका, तूने मेरे बाबूजी का अपमान किया है। 2.5 किलो की टिक्किया किसी में पड़ती है ना, वो उठ नहीं उठ जाता है। उसके बाद मुझे लगता है समय कुमार साहब अगर टिकिया बेचने की चेष्टा करेंगे, कैसे बेचेंगे जरा गौर फरमाइएगा। आइए दीपिका जी, लीजिए आपका सब सामान है। लेकिन आप तो हमेशा वो महंगी वाली टिकिया यही पे कम करते हैं। ऋतिक रोशन अगर टिकिया बेचने की कोशिश करेंगे तो कैसे बेचेंगे, जरा सोचिए। कोई मिल गया कि अवतार में वो घुस चुके हैं और कहने लगे वो टिकिया नहीं बेचे। मेडिकल नहीं भेजूंगा, मेरे बाबा बहुत बड़े फैन थे, मेडिकल नहीं भेजूंगा। अरे कोई बात नहीं किया भगवान, कोई बात नहीं किया। ऋतिक रोशन ऐसे टिके बेचा जाते। लेकिन गुलशन ग्रोवर इस बात से बहुत ज्यादा नाराज, कहने लगे, अबे टिकिया बेच, नहीं तो तेरे बाप का कंप्यूटर तोड़।